DH पूरा में आपने देखा कि धूप भी है, फिर भी लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी है, बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से देखते आए हैं कि कश्मीर के हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं और बेकारी मतलब रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है और लोग चिंता में, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, स्मार्ट मीटर की बात चलती है, ज़मीनें छीनी जाती है और ये तो बॉर्डर का इलाका है तो इनको तो ज़्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिए, इनके बच्चों की पढ़ाई, इनके लिए हेल्थ सर्विसेज, इनके जीवन को बदलने की कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए, ये चिंता सभी लोगों को होनी चाहिए। हमारे राहुल जी ने कहा है जाइए लोगों के बीच, गांव में, दूर दराज में मिलिए लोगों को, उनके मसले, उनकी बातों को सुनिए और आने वाले असेंबली के चुनाव में हमारा जो मैनिफेस्टो बने उसमें इन सब बातों को आप रखें और हमारी गारंटियां तय करें और जब हमारी सरकार आए तो इन गारंटियों का अमल करके इनके जीवन को आप सुधार लाएं। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, यहाँ के आवाम ने बड़े प्यार से हमारी बातें सुनी हैं और मुझे लगता है कि ये जलसा जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम में कांग्रेस के लिए बढ़ेगा। यहाँ पे बता दीजिएगा कि जिस तरह अफवाहें भी खुद ही देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारी जम्मू कश्मीर के PCC यूनिट ने, हमारे सभी नेताओं ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मिलके चर्चा बातचीत करके सभी मसलों पर तय किया है और इसीलिए ग्राउंड पर जा रहे हैं और उसका एक नतीजा आपके सामने यहाँ कुलगाम में भी है, DH पुरा में भी है कि ऐसे जलसे करके लोगों के बीच जाके हम मजबूती से इस चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारी यही बात है, इट इज द फेलियर ऑफ द BJP गवर्नमेंट। ये LG कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, खाली सत्ता का दुरुपयोग करके जम्मू कश्मीर को एक्सप्लोइट करके यहाँ की जो भी है व्यवस्था उसका उपयोग करके एक्सप्लोइटेशन का काम करते हैं, चाहे ज़मीन हो, चाहे मिनरल हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सभी का वो एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं।